हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक आईसी इंजन। फोर स्ट्रोक आईसी इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे आज इस लेक्चर में। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था आईसी इंजन का, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन, कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक आईसी इंजन। आई एम विजय अत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एबीएस आईआईटी गाजियाबाद। सबसे पहले हम इसे समझते हैं, फोर स्ट्रोक इसका मतलब क्या है। फोर स्ट्रोक मींस पिस्टन के चार रिवॉल्यूशन में, स्ट्रोक का अभी हमने जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके बाद हमने कंपोनेंट पढ़े थे, उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो नोमेनक्लेचर में एक टर्म आई थी स्ट्रोक। स्ट्रोक स्ट्रोक का मतलब था कि पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी तक आने की जो टोटल लेंथ थी उसे हमने बोला था स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक का क्या मतलब हो गया, ये पिस्टन ऊपर से नीचे चार बार हो जाए तो वो हमारा होगा फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक का वर्किंग प्रिंसिपल पहले हम पढ़ते हैं एसआई इंजन के लिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम सीआई इंजन के लिए। एसआई का क्या मतलब होता है, एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन। सो फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन का हम यहां पर वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जो हमारी कंप्लीट साइकिल होती है वो पिस्टन के चार स्ट्रोक में होती है, या हम कह सकते हैं जो ये क्रैंक है हमारी, क्रैंक रोटेट हो रही है, इस क्रैंक के दो रिवॉल्यूशन में होती है। जब ये क्रैंक दो बार रोटेट हो जाएगी तो हमारा कंप्लीट एक साइकिल हो जाएगी। और दो बार रिवॉल्यूट होने का मतलब क्या है, एक बार कितना एंगल हो गया कंप्लीट रोटेशन में, 360। दूसरी बार कंप्लीट रोटेशन में कितना हो गया, 360। तो टोटल एंगल कितना होता है इसका, 720 डिग्री एंगल टोटल रोटेट होती है। फोर स्ट्रोक क्लियर हो गया, चार स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन एंड दो रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के दो रिवॉल्यूशन और पिस्टन के चार रिवॉल्यूशन। जब पिस्टन के चार रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो चार स्ट्रोक होंगे, चारों स्ट्रोक का हम अलग अलग नाम कर देते हैं। तो सबसे पहले फोर स्ट्रोक साइकिल का स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला है हमारा इनटेक स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक को बोलते हैं हम इनटेक स्ट्रोक। और इस इनटेक स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर आता है इस सिलेंडर के अंदर। कंपोनेंट देखो यहां भी लिखे हुए, इनटेक वॉल्व, कंबसन चैम्बर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट और ये एग्जॉस्ट। इनटेक सेक्शन स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक, इसमें क्या होता है, पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी में मूव करता है, मींस पिस्टन का मूवमेंट क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो जो ये सिलेंडर है, कंबशन चैम्बर है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, और उसी टाइम पर जो ये इनलेट वॉल्व है हमारा ये ओपन होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें तीन टास्क कंप्लीट हुए हैं हमारा, पिस्टन का मूवमेंट हुआ है टीडीसी से बीडीसी, इनलेट वॉल्व हमारा ओपन है और एग्जॉस्ट वॉल्व हमारा क्लोज है। एग्जॉस्ट वॉल्व क्या है हमारा, क्लोज। थर्ड, एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर्स द सिलेंडर थ्रू इनलेट वॉल्व, इनलेट वॉल्व के थ्रू हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ गया। सेकेंड स्ट्रोक को हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, इसमें क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा कंप्रेस्ड होता है और पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी की तरफ होता है, मींस एरो दिखाया हुआ है नीचे से ऊपर हमारा
पिस्टन जाएगा, जब टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसके अंदर क्या था हमारा? गैसेस थी, और इस पर्टिकुलर टाइम पर दोनों वॉल्व हमारे क्लोज रहते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों क्लोज रहेंगे। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होंगे, टेम्परेचर प्रेशर हमारे दोनों इंक्रीज होंगे। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए अंदर हमारा क्या क्या हुआ है? पिस्टन का मूवमेंट हुआ है बीडीसी से टीडीसी, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों बंद हैं हमारे, क्लोज्ड हैं। जो एयर फ्यूल मिक्सचर था वो हमारा कंप्रेस हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से हमारा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कंप्रेशन जब हुआ तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हमारे इंक्रीज हो गए। एट ऑफ द एंड ऑफ कंप्रेशन व्हेन द पिस्टन एज टीडीसी, कंप्रेशन के एंड पर जब पिस्टन हमारा टीडीसी पर पहुंच गया, इसके बाद मूवमेंट नहीं हो सकता, उसके बाद क्या होता है? इसके ऊपर जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इस स्पार्क प्लग की हेल्प से स्पार्क इनिशिएट होता है, यहां पर हमारा स्पार्क जनरेट हो जाता है और फ्यूल का कंबशन शुरू हो जाता है। किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। जब ये टीडीसी पर पहुंच गया, मैक्सिमम लिमिट इसकी जहां थी वहां पहुंच गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस गैस का जो इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर भरा हुआ है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम है, और इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर टीडीसी पहुंचने के बाद स्पार्क प्लग ने स्पार्क इनिशिएट किया, और जब स्पार्क इनिशिएट होगा तो यहां पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर फ्यूल का कंबशन शुरू हो जाएगा। सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट। थर्ड स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है, जब फ्यूल का कंबशन हुआ तो उसके बाद कंबशन होने के बाद स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हो गया, यहां पर स्पार्क प्लग की हेल्प से बर्निंग हो गई, तो हमें थर्ड हमें मिलेगा पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक में क्या होता है? एक्सप्लोजिव फोर्स पिस्टन डाउन। जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, ये स्पार्क इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो यहां पर जो टोटल टास्क होंगे, फर्स्ट क्या हुआ, पिस्टन कहां आ रहा है? टीडीसी से बीडीसी। पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कंबशन की वजह से जो एक्सप्लोजन फोर्स हुआ, उसने क्या किया, पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी में पुश कर दिया, धकेल दिया। उसके बाद पावर जनरेट हो गई इस पर्टिकुलर स्ट्रोक में, यहाँ पर हमारा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। यहाँ हमें पावर प्रोड्यूस हुई। इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर दोनों वॉल्व इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज्ड हैं, कोई भी वॉल्व हमारा यहाँ पर ओपन नहीं है। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या था, इनलेट वॉल्व ओपन था, ये क्लोज था, यहाँ पर दोनों क्लोज, और यहाँ पर भी हमारे दोनों क्लोज रहेंगे। जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में मूव करेगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज होंगे, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होंगे ड्यू टू एक्सपेंशन, क्योंकि ये एक्सपेंड हो रहा है। जब ये यहाँ टॉप बॉटम पर आ जाएगा तो हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर स्ट्रोक जो होगा पिस्टन का, उसे बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन हमारा पुश करता है बर्न गैसेस को, कहाँ, एग्जॉस्ट करने के लिए, एनवायरमेंट में एग्जॉस्ट करने के लिए। अब बर्न गैसेज एनवायरमेंट में एग्जॉस्ट कब हो सकती है, जब हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होगा। तो इस पर्टिकुलर साइकिल में इनलेट वॉल्व तो क्लोज रहता है, बट एग्जॉस्ट वॉल्व हमारा ओपन हो जाता है और एग्जॉस्ट गैसेज हमारी बाहर निकल जाती हैं। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टोटल पॉइंट, पिस्टन का मूवमेंट कहां से कहां हुआ, बीडीसी से टीडीसी अपर डायरेक्शन मूवमेंट हुआ है, यहां पर इनलेट वॉल्व क्लोज है और एग्जॉस्ट वॉल्व हमारा ओपन रहेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि हमने एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन कर दिया, तो प्रेशर हमारा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा और एग्जॉस्ट गैसेज स्वेफ्ट हो जाएंगी पिस्टन की हेल्प से, कहां पर, एनवायरनमेंट में, सिलेंडर से बाहर एग्जॉस्ट हो जाएंगी। ये चारों कंप्लीट स्ट्रोक हो गए। इसके बाद फिर से रिपीट होगी नई साइकिल, और नई साइकिल में फिर से स्टार्टिंग से इनटेक से होगा।
फ्यूल आएगा, फिर उसका कंबसन होगा, कंबसन होने के बाद स्पार्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होने से हमें तीसरी साइकिल में पावर मिल जाएगी और फोर्थ में हम बर्न गैस को हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो टोटल पिस्टन का मूवमेंट अप एंड डाउन चार बार हुआ, पहले में टीडीसी से बीडीसी, देन बीडीसी टू टीडीसी, देन टीडीसी टू बीडीसी, देन बीडीसी टू टीडीसी, और ये कंप्लीट साइकिल हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्लियर फोर स्ट्रोक साइकिल ऐसा इंजन की, इसमें स्पार्क प्रोड्यूस हुआ स्पार्क प्लग की हेल्प से। अब इसका हम वर्किंग देख लेते हैं ये चलते हुए। ये दिखाया हुआ है, ये चार मल्टी सिलेंडर है, एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, चार सिलेंडर। इन चार में से किसी भी एक सिलेंडर को हम ले लेते हैं, किसी भी एक को। सपोज मैंने इस सिलेंडर को काउंट कर रहा हूं, यहाँ पर ये ऑपरेट हो रहे हैं हमारे कैम फॉलोवर अरेंजमेंट से। ये हमारा इनलेट वॉल्व और ये हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व। इनिशियल में देखो, सबसे पहले इनलेट ओपन, सक्शन हुआ, ऊपर आया कंप्रेशन हुआ, उसके बाद नीचे गया पावर स्ट्रोक मिला, फिर ऊपर आया यहाँ से एग्जॉस्ट हो गया। ये कंप्लीट साइकिल है, वर्किंग मॉडल दिखाया हुआ है। एक कंप्लीट साइकिल को होने में हमें चार बार पिस्टन अप एंड डाउन हो रहा है और क्रैंक हमारी दो बार रोटेट हो रही है। ये क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारी दो बार रोटेट हो रही है। जब क्रैंक शाफ्ट ऊपर से नीचे आएगी हाफ, नीचे से ऊपर जाएगी फुल, एक रोटेशन में पिस्टन के कितने रिवॉल्यूशन हो गए, दो। क्रैंक शाफ्ट जब एक बार रिवॉल्यूट हुई तो पिस्टन ऊपर नीचे हमारा दो बार हो गया। फोर स्ट्रोक ऐसा इंजन में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर एकदम। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। कंप्रेशन के जस्ट बाद हमारे स्पार्क प्लग की हेल्प से फ्यूल का कंबसन स्टार्ट हो जाता है और वहां हमें फिर पावर स्ट्रोक मिल जाता है। अब सीआई इंजन की अगर हम बात करें, ये हमारा डायग्राम अलग अलग बनाए हुए हैं कि सबसे पहले एयर फ्यूल मिक्सचर में यहाँ आया, स्टार्टिंग में एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर हो गए इनटेक में, कंप्रेशन में एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हो गए, ऊपर जाएगा, कंप्रेस होने के बाद यहाँ स्पार्क इग्निशिएट होता है, ये बॉटम में आ गए, उसके बाद हमारे एग्जॉस्ट हो। सेकेंड और थर्ड में दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं, फर्स्ट में इनलेट वॉल्व ओपन होता है और फोर्थ स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होता है। अब सीआई इंजन की बात करते हैं। एसआई इंजन और सीआई इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल लगभग लगभग एक जैसा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस होता है। चार ही साइकिल यहाँ होती है, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, वही चारों साइकिल है। दो रिवॉल्यूशन यहाँ भी क्रैंक शाफ्ट के होते हैं, चार रिवॉल्यूशन यहाँ पर हमारे चार अप डाउन पिस्टन के होते हैं। सेम एज इट इज है, यहाँ भी इनलेट वॉल्व होता है और एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। सक्शन में इनलेट वॉल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट बंद रहता है। कंप्रेशन में दोनों बंद रहते हैं, स्पार्क में दोनों बंद रहते हैं और हमारे एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाता है। साइकिल में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज है हमारे कि जो हमारा एसआई इंजन था उसमें जो यहां से मिक्सचर आ रहा था, वो मिक्सचर आ रहा था हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर, बट यहां पर जो आता है वो सिर्फ एयर होती है। एयर सक्शन स्ट्रोक के थ्रू इसके अंदर स्ट्रक होती है, कंप्रेसर के थ्रू ये कंप्रेस होती है, और ये जो साइकिल ऑपरेट होती है इसका बहुत ज्यादा हाई कंप्रेशन रेशो होता है। एसआई इंजन के कंपैरिजन में सीआई वो था एसआई स्पार्क इग्निशन, सीआई कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन की वजह से इग्निशिएट होगा, इग्नाइटेड जो होगा यहां पर कंप्रेशन की वजह से होगा, तो इसका जो हाई कंप्रेशन रेशो होता है बहुत ज्यादा। और हमने जो फोर स्ट्रोक एसआई इंजन में स्पार्क प्लग यूज किया था, यहां लगा हुआ था स्पार्क प्लग, जो कब स्पार्क स्टार्ट करता था, कंप्रेशन के बाद जब पिस्टन हमारा टीडीसी पर पहुंच जाता था तो हमारा स्पार्क इनिशिएट होता था। यहां क्या होता है, यहां हमारा होता है फ्यूल इंजेक्टर, तो स्पार्क की जगह यहां पर हमारा फ्यूल इंजेक्टर होगा। जैसे ये कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो इसके अंदर ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो हम जब फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे इंजेक्टर के थ्रू, एयर इसके अंदर है और यहां पर फ्यूल को इस इंजेक्टर के थ्रू हम इंजेक्ट करेंगे, और जब इंजेक्ट करेंगे ड्यू टू हाई कंप्रेशन ऑफ द एयर वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा और हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। डिफरेंस, एयर फ्यूल मिक्सचर की जगह सिर्फ क्या आ रहा है, एयर आ रही है,
स्पार्क प्लग की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्टर यूज कर रहे हैं, जो फ्यूल को हमारे को फ्यूल इंजेक्टर क्या कर रहा है हमारा, फ्यूल इंजेक्टर वहां स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से हमारा फ्यूल ऑटो इग्नाइटेड हो जाता है। यहाँ हमें स्पार्क प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो। क्लियर? तो ये हमारा फोर स्ट्रोक सीआई। ऐसा ही सीआई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है फोर स्ट्रोक में, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ फ्यूल सक्शन जो हो रहा है उसमें डिफरेंस है, और जो हम स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां स्पार्क प्लग के थ्रू कर रहे थे, यहाँ हम फ्यूल को इंजेक्ट करके कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है फोर स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। थैंक यू।